दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को $4 बिलियन चाहिए अपने Su-30 MKI फ्लीट को सुपर सुखोई में कन्वर्ट करने के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑपरेशंस डायरेक्टर मिस्टर जयदेवा ने लास्ट ईयर के इन्वेस्टर मीटिंग में बताया था कि हेल एंड IAF इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स जो कि 150 यूनिट्स ऑफ Su-30 MKI में लगाए जाने हैं उनमें काम कर रहे हैं। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रशिया को अप्रोच करेगा सुपर सुखोई प्रोग्राम के अप्रूवल के लिए, क्योंकि वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं और स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों पहले रशिया ने भी इंडिया के इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया था और इंडिया से ये टेंडर मिलने से रशिया को भी काफी फायदा होता, क्योंकि रशिया ने भी अपने जो Su-30 SM फाइटर्स हैं उन्हें Su-30 SM-2 में कन्वर्ट किया है, जो उन्हें ऑलमोस्ट 5th जनरेशन फाइटर बना देता है। पहला अपग्रेड तो है इनमें बार्स को रिप्लेस करके Su-35 का इर्बिस ई राडार का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे राडार है और इसे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल PESA राडार बताया जाता है। दोस्तों इसकी रेंज बताई जाती है 350 से 400 किलोमीटर तक है और ये एक बार में 30 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 8 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, तो इसकी परफॉर्मेंस को काफी इनहेंस करा गया है। मेजर इम्प्रूवमेंट जो किया गया है इस अपग्रेड में वो है इसके इंजिन्स में। Su-30 SM के जो इंजिन्स है वो है AL-31FP, इन्हें रिप्लेस किया गया है Su-35 के इंजिन्स से जो कि है AL-41F इंजिन्स। दोनों इंजिन्स में ही थ्रस्ट वेक्टरिंग देखने को मिलता है और AL-31 इंजिन्स की सर्विस लाइफ बताई जाती है 3000 आवर्स की है, बट प्रैक्टिकली इनकी सर्विस लाइफ केवल 2000 आवर्स की ही है। और रशिया के द्वारा बताया गया है कि जो AL-41 इंजिन्स है इनकी सर्विस लाइफ 4000 आवर्स की होगी। अब इंडियन एयरफोर्स ने बहुत पहले क्लियरली ये बता दिया था कि वो इंजिन्स रिप्लेस नहीं करेंगे Su-30 MKIs की, पर Su-30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए 6 AL-31 इंजिन्स ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, तो रशियन अपग्रेड से इंडियन एयरफोर्स पहले ही पीछे हो चुकी थी और इन फाइटर जेट्स में कंप्लीट इंडिजिनस सिस्टम्स इंटीग्रेट किए जाएंगे, ऐसा भारतीय वायुसेना का अप्रोच है। तो ये जो इंडिजिनस सिस्टम्स हैं इन्हें भी फेजेस में इंटीग्रेट किया जाएगा। इन Su-30 MKIs में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, ये इस अपग्रेड फेज का सबसे पहला कॉम्पोनेंट है। साथ ही नेक्स्ट जेनरेशन राडार वार्निंग रिसीवर्स लगाए जा रहे हैं। इसके फ्लाई बाय वायर एंड फ्लाइट कंट्रोल्स को भी अपग्रेड किया जाएगा, जो कि प्लेन की रिस्पॉन्सिवनेस को इम्प्रूव करेगा। दोस्तों तेजस का जीरो क्रैश रिकॉर्ड इसके एक्सेलेंट फ्लाई बाय वायर सिस्टम की वजह से ही है और तेजस डेवलपमेंट के दौरान मिली एक्सपीरियंस डेवलपर्स को हेल्प करेगा इसे इंटीग्रेट करने में। दोस्तों अभी बात करते हैं इसके सबसे बड़े अपग्रेड की। इसका जो बार्स PESA राडार था उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ये वल्नरेबल हो जाता था जैमिंग से, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने इंडिजिनसली डेवलप्ड उत्तम MK-3 AESA राडार को इंटीग्रेट करने के बारे में सोच रही है, जिसे DRDO के LRDE ने डेवलप किया है। इसके कॉकपिट को भी अपग्रेड किया जाएगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इन्फ्यूज्ड होगा और इसमें मल्टीफंक्शन डिस्प्ले सिस्टम्स रहेंगे, साथ ही वॉइस एक्टिवेटेड कंट्रोलर सिस्टम भी होगा। इस एडवांस्ड कॉकपिट को हेल के द्वारा ही बनाया जाएगा एंड एक नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा इसे भी इंटीग्रेट करने की बात हो रही है। एडवांस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स जिन्हें DRDO के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और मिसाइल्स की श्रेणी में इनमें अस्त्रा मार्क 2 को भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा। दोस्तों हेल इन कंपोनेंट्स को टेस्ट करना स्टार्ट कर देगा 2024 से और मल्टीपल फेजेस में इन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, उसके लिए भी एक प्रोटोटाइप को डिजाइन करा जा रहा है। फुल स्केल अपग्रेडेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2027 से 2028 में स्टार्ट हो जाएगा, जिसके तहत 150 Su-30 MKIs अपग्रेड होंगे सुपर सुखोई में। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आपके क्या विचार है वो मुझे कमेंट्स पे बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।